बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो आपका सिलेबस एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए 25% परसेंट तक सेल्फ स्टडी के लिए रखा गया है मतलब इस 25% परसेंट में जो भी टॉपिक आएंगे वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे चलो शुरू करते हैं आपको क्या करना है एक पेंसिल लेनी है और मैं जहाँ भी कहूँगा बस उस टॉपिक को टिक मार्क करना है कि ये आपके सिलेबस में अब सेल्फ स्टडी के लिए तो चलो शुरू करते हैं चलो पेज नंबर वन यस सभी पेज नंबर वन पे चलो यस पेज नंबर वन पर आपको देखो किसी भी टॉपिक को कट नहीं करना है पेज वन कीप एज इट इज पेज टू भी वैसे ही रहेगा पेज थ्री भी वैसे ही सीधे चलो पेज नंबर फाइव पर पेज नंबर फाइव पेज नंबर फाइव पर आपको प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट वन से जो क्वेश्चन नंबर वन है उसके सब क्वेश्चन सिक्स सेवन एट आपको स्क्रीन पर दिख रहे उन्हीं क्वेश्चन को कैंसिल करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन का सब क्वेश्चन सिक्स सेवन एट वैसे ही क्वेश्चन नंबर टू का सब क्वेश्चन फाइव एंड सिक्स वैसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री के सब क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पूरा क्वेश्चन नंबर फाइव हटाओ ठीक है तो इस पेज पर देखो ये पेज ऐसा कुछ दिखेगा आपको जब आप क्वेश्चन नंबर वन के तीन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू के दो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर थ्री के भी थ्री क्वेश्चन और उसके साथ क्वेश्चन नंबर फाइव भी हटाओगे तो ये था हमारा पेज नंबर फाइव पेज नंबर सिक्स एज इट इज पेज नंबर सेवन पर भी कुछ नहीं करना है एट पर भी नहीं नाइन कुछ नहीं करना है तेन चलो पेज नंबर थर्ट पर पेज नंबर अलेवन पर प्रॉब्लम सेट वन है देखो तो प्रॉब्लम सेट वन में क्वेश्चन नंबर टू के सब क्वेश्चन थ्री और फोर आपको कैंसिल करने हैं उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर थ्री का सब क्वेश्चन फाइव एंड सिक्स ठीक से करो दूसरे कोई क्वेश्चन मार्क मत कर देना क्वेश्चन नंबर टू के थ्री एंड फोर और क्वेश्चन नंबर थ्री के फाइव एंड सिक्स सेवेंथ वैसे ही रहने दो समझ गए सब ये था पेज नंबर अलेवन चलो नेक्स्ट पेज की तरफ पेज नंबर ट्वेल्व पर देखो क्या करना है आपको पेज नंबर ट्वेल्व पर जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो पूरा कैंसिल होगा क्वेश्चन नंबर टेन भी पूरा कैंसिल होगा चलो नेक्स्ट पेज पर न, नया चैप्टर शुरू हो गया इस नए चैप्टर में आपको जाना है डायरेक्टली पेज नंबर सेवनटीन पर पेज नंबर सेवनटीन पर प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट वन है देखो प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट वन प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर थ्री आपको कट करना है क्वेश्चन नंबर थ्री ओके चलो नेक्स्ट पेज पेज नंबर एटीन पर क्वेश्चन नंबर फाइव है उसी प्रैक्टिस सेट का ठीक है तो उसे भी कट कर दो क्वेश्चन नंबर होगा पेज नंबर यस अभी आपने जस्ट कट किया पेज नंबर एटीन के बाद आपको डायरेक्टली जाना है पेज नंबर ट्वेंटी वन पर पेज नंबर ट्वेंटी वन पर प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट टू के ऊपर एक दो कॉरलरी दी है देखो प्रैक्टिस से 2.2 के ऊपर का देखो ये पार्ट आपको कट करना है दिखा सबको तो ये दोनों प्रूफ कट करो हाँ ये एक प्रूफ है और एक स्टेटमेंट है उसको कट करो प्रैक्टिस से 2.2 के ऊपर पेज नंबर 21 डन ओके चलो आगे चलते हैं पेज नंबर 22 तो पर कुछ नहीं करना है 23 भी एज इट इज पेज नंबर 24 फोर एज इट इज पेज नंबर 25 पर रुको पेज नंबर 25 देखो पेज नंबर 25 पर सबसे ऊपर यूज योर ब्रेन पावर लिखा है दिखा उसे कट कर दो यूज योर ब्रेन पावर को कट कर दो ठीक है चलो पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स देखो पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पूरा कट करो कुछ नहीं इस पेज पे करना आपको पूरा कट करो ये पूरा सेल्फ स्टडी के लिए रखा गया एग्जाम में नहीं पूछेंगे पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर भी प्रैक्टिस सेट थ्री पॉइंट वन के ऊपर जो भी पार्ट है एग्जाम्पल नंबर फोर वो पूरा कट करो डन दिस इज पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पेज नंबर ट्वेंटी एट पर प्रैक्टिस सेट का एग्जाम्पल नंबर नाइन है उसे कट करना है ओके पेज नंबर ट्वेंटी एट चलो नेक्स्ट अब ट्वेंटी नाइन पर कुछ नहीं ट्वेंटी थर्टी कीप एज इट इज थर्टी फर्स्ट एज इट इज थर्टी सेकेंड एज इट इज पेज नंबर थर्टी थ्री पर थियरम है देखो नीचे एक वो पूरा थियरम हटा दो दिख रहा है आपको येस पेज नंबर थर्टी थ्री गुड थर्टी फोर पर भी उसी थियरम की कोरोलरी दिए उसे भी हटा दो लेट्स लर्न के ऊपर ब्रेन पावर भी हटा दो डन पेज नंबर थर्टी फोर नेक्स्ट इज पेज नंबर थर्टी सिक्स कुछ नहीं करना है डायरेक्टली जाना है आपको पेज नंबर देखो पेज नंबर फोर्टी टू पर भी कुछ नहीं करना है चलो आगे चलो पेज नंबर फोर्टी फोर तक कुछ नहीं करना है फोर्टी फाइव भी कुछ नहीं करना है फोर्टी सिक्स ये पूरा चैप्टर वैसे ही रहेगा देखो लेकिन पेज नंबर फोर्टी एट पूरा कट हो जाएगा पेज नंबर फोर्टी एट ठीक है उसके बाद नया चैप्टर शुरू हो जाएगा आपका फोर्थ चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स नीचे चलो कुछ नहीं करना है नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज चलो आगे चलो अब रुको पेज नंबर फिफ्टी नाइन पर पेज नंबर फिफ्टी नाइन पर ये देखो ऊपर जो पार्ट है एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कट करो ड्रॉ फाइव पैरालाग्राम्स ठीक है कट दैट एक्टिविटी डन चलो नेक्स्ट अब आगे जाना है आपको पेज नंबर टर्न करो पेज पेज नंबर सिक्सटी टू पर रुक जाओ पेज नंबर सिक्सटी टू पर सेवेंथ एग्जाम्पल है देखो सबसे नीचे सिक्सटी टू पर यस yes. उस सेवेंथ क्वेश्चन को कट करो प्रैक्टिस सेट 5.1 में डन वेरी गुड नेक्स्ट क्या है देखो 63 पर कुछ नहीं करना है 64 पर भी कुछ नहीं करना है चलो आगे यस yes, अब प्रैक्टिस सेट 5.2 आया देखो पेज नंबर 67 पर तो पेज नंबर 67 पर प्रैक्टिस सेट 5.2 का थर्ड एग्जांपल कट करना है और फिफ्थ थर्ड एंड फिफ्थ एग्जांपल ऑन पेज नंबर 67 डन ओके okay, देखो पेज नंबर 67 ऐसे दिखना चाहिए अब ठीक है चलो पेज नंबर सिक्सटी एट पर भी रुको रिमेंबर दिस के ऊपर राइट द प्रूफ्स लिखा है तीन प्रूफ पूछे देखो डायगनल डायगनल डायगनल्स वो तीनों को कट करो डन पेज नंबर सिक्सटी एट पर ये तीन चीजें कट करनी है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इज पेज नंबर यस आगे चलो पेज नंबर सेवेंटी टू पर भी कुछ नहीं करना है चलो आगे देखो पेज नंबर सेवनटी फाइव आ गया पूरा पेज कट कर दो पेज नंबर सेवनटी फाइव पूरा जाएगा पेज नंबर सेवनटी फाइव पूरा पेज कट कर दो यस yes, अब नया चैप्टर आया सर्कल इस चैप्टर में डायरेक्टली चलो पेज नंबर सेवेंटी नाइन पर पेज नंबर सेवेंटी नाइन पर प्रैक्टिस सेट सिक्स पॉइंट वन है उसका सिक्स क्वेश्चन कट करो इस प्रैक्टिस सेट का सिक्स क्वेश्चन डन वेरी गुड चलो आगे अब आपको पेज नंबर सॉरी uh, पेज नंबर एटी वन पर रुकना है पेज नंबर एटी वन पर जो थियरम दिया है देखो और रिम्बर दिस उन दोनों चीज़ों को कट करो डन पूरा थियरम कट करना है आपको चलो नीचे एटी वन हो गया अब एटी टू पे सेट का थर्ड क्वेश्चन है पेज 82, दन, चलो next is, पेज आपको रुकना है है सीधे 87 पर। yes, 87 पर जो सबसे ऊपर देखो सेकंड क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट सिक्स का सेकंड क्वेश्चन है इस पेज पे एकदम ऊपर दिखा कंस्ट्रक्ट इन सर्कल सकम सर्कल पूरा कट कर दो उसको ये था पेज नंबर एटी चलो आगे तो एटी नया चैप्टर शुरू हो गया कोऑर्डिनेट जोमेट्री बड़ा आसान चैप्टर है अब इस चैप्टर में आपको कुछ देखो पेज नंबर सीधे नाइन्टी टू पे रुको पेज नंबर नाइन्टी टू पर जो एक्टिविटी दिया है वो पूरी एक्टिविटी कट करो दिख रहा है आपको येस ये पूरी एक्टिविटी कट करनी है आपको यस आस्क बॉयज पूरी एक्टिविटी कट करनी कुछ नहीं चलो आगे प्रैक्टिस एट सेवन पॉइंट वन टच भी मत करो लेकिन नाइन्टी फोर पर रुक जाओ लेट्स डिस्कस लिखा है वो लेट्स डिस्कस के तीनों पॉइंट हटाओ तो लेट्स डिस्कस हट जाएगा पेज नंबर नाइन्टी फोर से वैसे ही पेज नंबर नाइन्टी फाइव पर भी लेट्स डिस्कस लिखा है तो लेट्स डिस्कस उस पेज से भी हटेगा पेज नंबर नाइन्टी फाइव कट लेट्स डिस्कस ओके पेज नंबर नाइन्टी सिक्स कीप एज इट इज नाइन्टी सेवन कीप एज इट इज एट विल रिमेन एज इट इज

पेज नंबर यस पेज नंबर वन वन टू पर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ओके उधर प्रैक्टिस सेट एट पॉइंट टू है प्रैक्टिस सेट एट पॉइंट टू ऑन पेज नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ओके अब ठीक से देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन में एक बॉक्स दिया है देखो एक टेबल दिया है उस टेबल में से जो कॉलम मैंने कट किए वही कॉलम्स कट करो हाफ का जो कॉलम है उस पूरे कॉलम को कट करो वन बाय टू का पूरा कॉलम कट करो एट बाय फिफ्टीन थ्री बाय फाइव वन बाय टू रूट टू ये ये चारों कॉलम कट करो ठीक से देखो यस yes? तो एग्जाम्पल नंबर वन को क्वेश्चन नंबर वन को बहुत सिंपल कर दिया डन एट पॉइंट टू हो गया अब चलो सीधे पेज नंबर यस नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया देखो आपका सॉरी अब चलो सीधे पेज नंबर 119 पर देखो 119 पेज है 119 पेज नंबर प्रैक्टिस सेट 9.1, इस प्रैक्टिस सेट के वर्ड प्रॉब्लम से देखो सेवन एट नाइन ये तीनों क्वेश्चन कट करो सेवन एट नाइन क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन ऑन पेज नंबर वन वन नाइन ओके दिस इज प्रैक्टिस एट नाइन पॉइंट टू प्रैक्टिस एट नाइन पॉइंट टू के ये तीनों एग्जाम्पल्स तीनों क्वेश्चन कट करो यस सेवन एट नाइन डन चलो हंड्रेड एंड ट्वेंटी पर एक देखो बॉक्स में कुछ एक्टिविटी दी है यस yes, उस एक्टिविटी को भी कट करो पेज नंबर वन ट्वेंटी दिखा सबको कट दैट एक्टिविटी ओके Page 121 122 123 एट और क्वेश्चन नंबर 9 को कट करो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर वन टू थ्री डन वेरी गुड नेक्स्ट देखो पूरा टेक्सट बुक इस तरह से हमने खत्म किया तो बच्चों इस तरह से मैथमेटिक्स टू का पूरा टेक्स्ट बुक हमने देखा और आप अब समझ गए होंगे कि किस चैप्टर से किस टॉपिक को सेल्फ स्टडी के लिए रखा गया है लेकिन इस इन पेजेस को सिर्फ पेंसिल से कट करो फाड़ के फेंक मत देना क्योंकि जब हम आपको ये चैप्टर्स पढ़ाएंगे ये चीज़ें बिल्कुल काम की चीज है अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सेल्फ स्टडी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भले ही वो एग्ज़ाम में ना पूछा जाए बट जब हम क्लास में ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हमें उनको रिफ़र करना पड़ सकता है तो उनको फाड़ के फेंक मत देना या इतना भी उसको कट ना करना कि उसको पढ़ ही ना पाओ ठीक है चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे बाय